श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद, पहला अध्याय और 19 नंबर श्लोक, इसका उच्चारण हम सीखेंगे। वयम तुन वितृप्याम। उत्तम श्लोक विक्रमे यत् श्रृणवताम रसज्ञानम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। इसका शब्दार्थ और ट्रांसलेशन बाय एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। वयम हम तो लेकिन न नहीं वितृप्यामः तृप्त हो जाएंगे। उत्तम श्लोक श्री भगवान जिनका यशोगान दिव्य श्लोकों से किया जाता है। विक्रमे साहसिक कार्य यत जो श्रृणवताम निरंतर सुनने से रस रस के ज्ञानाम जानने वालों को स्वादु स्वाद लेते हुए स्वादु सुस्वादु स्वादिष्ट पदे पदे पग पग पर। हम उन श्री भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं जिनका यशगान श्रोतों स्तोत्रों तथा स्तुतियों द्वारा किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। ठीक है, आवाज़ बहुत आ रही है, बाहर कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो मैं देख रही थी कि क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो इसका उच्चारण करना है हमको, सीखना है, तो हम देखते हैं। पहला वयम तु न वितृप्याम, वितृप्याम यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद जो शब्द है वो है उत्तम श्लोक विक्रम है, ये भी वैसे का वैसे ही रहेगा। अगर आप इसको विच्छेद करना चाहते हैं तो उत्तम श्लोक अलग और विक्रम में अलग करके बोल सकते हैं। फिर दूसरा लाइन जो है उसका पहला शब्द का संधि विच्छेद होगा, यत् श्रृणवताम को यत् श्रृणवताम करेंगे ताकि बोलना आसान हो जाए। रसज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। रुकना कहाँ कहाँ है देखिए। वयम तु न वितृप्याम, रुकना है। उत्तम श्लोक विक्रमे, यहाँ पे रुकना है। यत् श्रृणवताम रसज्ञानम, रुकना है। स्वादु स्वादु पदे पदे। तो इस प्रकार कंप्लीट हो जाएगा। मैं वापस पढ़ के सुनाती हूँ इसको कैसे बोलना है। वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत् श्रृणवताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। बहुत सुंदर श्लोक है, तो इसका उच्चारण इस प्रकार करना है। ठीक है, हरे कृष्णा।